हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेमर रैंक रमजान चैलेंज टूर्नामेंट। आज हम मौजूद हैं वाइड अप गेमिंग जोन पर, जहां पर हम कंडक्ट करेंगे ड्रॉज बिटवीन डिफरेंट टीम्स। और यहां पे बहुत सारा क्राउड मौजूद है जो कि हु इज़ वेटिंग इम्पेशेंटली जस्ट फॉर द ड्रॉज टू हैपन। हम अभी बुलाने जाते हैं एक वन ऑफ द रीनाउंड प्लेयर अराउंड हुज इन दिस गेमिंग सीन। हिज नेम इज डेडली एंड ही इज सो कॉल्ड द बेस्ट स्नाइपर एंड दैट यू ऑलरेडी नो। तो वी जस्ट कॉल हिम एंड ही इज जस्ट पिक आउट ऑल द पर्ची और इसमें से देखेंगे किसका मैच किसके साथ अभी होने वाला है। Insanity versus I, United versus Fusion. So guys, those were our first two matches which are going to happen between I versus Insanity and Fusion versus United. I'm expected to think the matches are like going to be really blast. So let's go towards the match. हेलो गाइस, वी आर एट द मैच डेक। अभी हम देखने जा रहे हैं जो अभी मैच चल रहा है उस पर पूरी एनालिसिस करेंगे। दिस इज़ वेयर वील जस्ट डिस्कस आउट द होल मैच। और मेरे साथ मौजूद हैं औरंगजेब और बैक्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक्स फ्रॉम टीम इनक्रेडिबल्स। टीम इनक्रेडिबल्स इज़ पाकिस्तान टॉप टीम और आई एम हियर यहाँ पे सब चीज़ें बताने के लिए कि मैचेस किस तरह जा रहे हैं। और विद मी इज़ औरंगजेब। तो लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। आप बता सकते हैं अभी कौन क्या कौन सी गेम्स खेल रहे हैं? ये मैच जैसा कि ईजी और एनए के दरमियान है और रिस्पॉन्स जो है तकरीबन 5 हो चुके हैं, 6 रिस्पॉन्स चल रहा है ये और 5 रिस्पॉन्स जो है टेरिस की टीम जीत चुकी है जो कि नो अथॉरिटी है। और इस वक्त यानी मोस्ट जो लग रहा है गेम वो बिल्कुल नो अथॉरिटी के हाथ में लग रहा है। दोनों काफ़ी फिट टीम्स हैं जो हमने देखा। ईजी का सीन ये है, ईजी के अंदर 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कराची के काफ़ी मशहूर प्लेयर्स हैं। अच्छा। उसके अंदर नॉर्मली 2 बॉयज़ हैं जिन्हें हम चूहे के नाम से हम लोग जानते हैं। वो बहुत मशहूर प्लेयर्स हैं, चूहे हैं दो। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ सॉरी कि गेमर्स में होता है कि इनके अलग अलग निक्स होते हैं और दे आर लाइक इट टाइम्स रियली फनी, तो यू कैन ऑलवेज लाइक यू नो रिमेंबर देम फ्रॉम दो स्पेसिफिक नेम्स। तो या हाँ, तो और दूसरी जो टीम है नो अथॉरिटी वो काफ़ी उसने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उनका एक मैच हमारे साथ भी होता है टूर्नामेंट में जिसके अंदर वो दिवन अगेंस्ट अस द टीम इनक्रेडिबल्स। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस इस मैच है। और बेसिकली सीन इस बार ये है कि नॉर्मली 15 मैक्सिमम राउंड्स खेले जाते हैं स्विच से पहले, लेकिन इस बार इन्होंने रिड्यूस कर दिए 10 राउंड्स पे जो कि रूल्स थे इस टूर्नामेंट के लिए। तो औरंगजेब, अब आप क्यों डिफाइन करना चाहेंगे किस तरह क्या हुआ मैच में? एज यूजुअल जब स्विच हुआ है, स्विच के बाद जब दोबारा से मैच स्टार्ट हुआ है लाइव हुआ है, तो उसमें पहला राउंड जो है फिर एनए ने जीता है विच मेक्स के इनको सिर्फ जो है 2 राउंड अभी चाहिए। हाँ। 9 राउंड ये जीत चुके हैं, 2 राउंड ईजी ने विन किए हैं। तो अब नेक्स्ट 3 राउंड में आई बिलीव के पता चल जाएगा। तो गाइस, एन ए इज़ द विनर ऑफ द फर्स्ट मैच, जिसका मतलब ये है कि ई जी इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी है। और एन ए में भी हम देखते हैं कि आगे कैसा परफॉर्म करेंगे, मगर इन्होंने अभी फिलहाल तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और ई जी का मतलब आउट क्लास कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम मैच के आगे क्या होने वाला है और जितनी एक्साइटमेंट है हमारे साथ रहेंगे इस मैच डेक के ऊपर और हम आपको बताते जाएंगे पूरा मैच के बारे में। Guys, this is no authority. The team who just won the first match, guys, क्या experience था? अब बता। हम लोग काफी confidence feel कर रहे हैं और इसी confidence के साथ हम लोग सारे teams को हराने की कोशिश करेंगे। और हमारी strategies कोई नहीं थी, हमारा aim ये था कि हम लोग aggressive खेलेंगे। हमने इसी तरह खेला और हमने team को beat कर दिया। जो EG का हाल हुआ है, सब team का यही हाल करेंगे हम।